नमस्कार, आज हम आपको RAS प्री परीक्षा का सिलेबस बताएंगे। हम आपको सिलेबस बताएं इससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें नई नई राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है ये। परीक्षा की स्कीम क्या है हम आपको बताते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के नीचे विनिर्दिष्ट विषय पर एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और अधिकतम 200 अंकों का होगा। परीक्षा का उद्देश्य केवल स्क्रीनिंग परीक्षण करना है। प्रश्न पत्र का स्तर मान स्नातक डिग्री स्तर का होगा। ऐसी अभ्यर्थियों द्वारा जो मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अहित घोषित किए गए हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को उनका अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। इसके अंदर एक प्रश्न पत्र होगा सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का, जो अधिकतम अंक 200 का होगा और उसका टाइम होगा वो 3 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के 150 प्रश्न व सभी प्रकार के प्रश्न होंगे वो समान अंकों के होंगे। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटे जाएंगे। ये है निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम। इसमें राजस्थान इतिहास कला संस्कृति साहित्य परंपरा एवं विरासत से संबंधित ये टॉपिक है, जिसमें नंबर 1 है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे। अगला टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण व राजनीतिक एकीकरण। नेक्स्ट, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले एवं स्मारक। नेक्स्ट, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। अगला टॉपिक है राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां। नेक्स्ट है मेले त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य। नेक्स्ट, राजस्थानी संस्कृति परंपरा एवं विरासत। नेक्स्ट, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और अगला टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ये सभी टॉपिक राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति साहित्य परंपरा विरासत से संबंधित टॉपिक है। अगला टॉपिक है भारत का इतिहास, जिसके अंदर है प्राचीन काल एवं मध्यकाल में प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। नेक्स्ट, कला संस्कृति साहित्य एवं स्थापत्य। नेक्स्ट है प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, प्रमुख आंदोलन। आधुनिक काल में आधुनिक भारत का इतिहास 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक, प्रमुख घटनाएं, व्यक्तित्व एवं मुद्दे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता एवं उनका योगदान। नेक्स्ट है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। अगला है स्वतंत्रोत्तर काल में राष्ट्रीय एकीकरण एवं पुनर्गठन। ये सिलेबस है भारत के इतिहास से संबंधित। आगे का सिलेबस है जो भारत विश्व एवं भारत का भूगोल से संबंधित है। इसमें ये टॉपिक है विश्व का भूगोल, प्रमुख भौतिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक के मुद्दे, वन्य जीव जंतु एवं जैव विविधता, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और भारत के भूगोल में प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भौतिक विभाजन, कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियां, खनिज लोहा, मैग्नीज, कोयला, खनिज तेल और गैस, आणविक खनिज, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास, परिवहन, मुख्य परिवहन मार्ग, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरणीय समस्याएं तथा पारिस्थितिकीय मुद्दे। आगे के टॉपिक है, इसमें राजस्थान का भूगोल है, इसके प्रमुख टॉपिक ये है प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भूभौतिक विभाग, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्य जीव जंतु एवं जैव विविधता, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, खान एवं खनिज संपदाएं, जनसंख्या, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास की संभावनाएं। ये सारे टॉपिक राजस्थान के भूगोल से संबंधित है। आगे है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली।
संवैधानिक विकास एवं भारतीय संविधान में भारतीय शासन अधिनियम 1919 एवं 1935। संविधान सभा भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका और न्यायिक पुनरावलोकन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और शासन से संबंधित ये टॉपिक है। भारत राज्य की प्रकृति, भारत में लोकतंत्र, राज्यों का पुनर्गठन, गठबंधन सरकारें, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकीकरण। आगे है संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, संघीय एवं राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट है स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज। आगे है लोक नीति एवं अधिकार, इसमें है लोक कल्याणकर राज्य के रूप में राष्ट्रीय लोक नीति। नेक्स्ट है विभिन्न विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र। आगे है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग। आगे है लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र। आगे का टॉपिक है अर्थशास्त्रीय अवधारणा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत, जिसमें है बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, राष्ट्रीय आय, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, लेखांकन, जिसमें है अवधारणा उपकरण एवं प्रशासन में उपयोग। आगे है स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार। नेक्स्ट है राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति, अवधारणा प्रभाव एवं नियंत्रण तंत्र। आर्थिक विकास एवं आयोजन में है पंचवर्षीय योजना, जिसमें लक्ष्य, रणनीति और उपलब्धियां हैं। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार, वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल, प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण। आगे है मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास, जिसमें है मानव विकास सूचकांक, गरीबी एवं बेरोजगारी, अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान एवं वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में है अर्थव्यवस्था का वृद्ध परिदृश्य, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, समृद्धि विकास एवं आयोजना, आधारभूत संरचना एवं संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं, कार्यक्रम एवं योजनाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, निःशक्त जनों, निराश्रितों, महिलाओं, बच्चों, वृद्ध जनों, कृषकों एवं श्रमिकों के लिए राजकीय कल्याणकारी योजनाएं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में है विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके प्रभाव, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी। राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास। तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता में है तार्किक दक्षता, निगमनात्मक, आगमनात्मक, अपवर्तनात्मक, जिसमें है कथन एवं मान्यताएं, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं कार्यायी। आगे है विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता। मानसिक योग्यता में है संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, बेमेल छांटना, कूट वाचन, जिसमें कोडिंग और डिकोडिंग भी कहते हैं इसको, संबंधों, आकृतियों एवं उनके
उपविभाजन से जुड़ी समस्याएं, आधारभूत संख्यात्मक दक्षता में गणितीय एवं सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रारंभिक ज्ञान, संख्या से जुड़ी समस्याएं व परिणाम का, परिमाण का क्रम, अनुपात तथा समानुपात, प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज, आंकड़ों का विश्लेषण जिसमें सारणी, दंड आरेख, रेखा चित्र और पाई चार्ट आदि होंगे। समसामयिक की घटनाएं हैं जिसमें है राजस्थान राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक की घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति एवं स्थान, खेल एवं खेल कूद संबंधी गतिविधियां। ये था आरएस प्री परीक्षा का सिलेबस जो कि परीक्षा के लिए जरूरी है और सभी प्रतियोगियों के लिए आवश्यक रूप से जरूरी है और निश्चित रूप से आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी सवाल हो, कोई भी संदेह हो तो आप हमें कमेंट के रूप में जरूर बताएं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।